नमस्कार क्या हाल चाल भाई सबके स्वागत है अभिनंदन है हाँ गुड इवनिंग खम्मा गणी गीत हाँ जुड़ो देगा फटा फटाफट से जुड़ो क्लास का टाइम हो गया है क्लास शुरू हो चुकी है एक बार फटाफट से जुड़ो गुड नाइट सर डी के लवर अरे कितना गुड नाइट करेगा भाई है गुड नाइट करते करते सुबह आ जाएगी सर राजस्थान हिस्ट्री के नोट्स कैसे बनाएं अक्षय नोट्स बनाने की कहाँ ज़रूरत है याद हो जाएंगे सब है ना तीन चार बार और नोट्स बनाना ही चाहते हो तो जैसा मैं लिखवाता हूँ वैसा लिख लो स्क्रीन तो ले लिए होंगे आपने मैंने अभी तक मेवाड़ हिस्ट्री पढ़ाई है ठीक है अभी तो हिस्ट्री और बाकी है जो मेवाड़ हिस्ट्री की बनाई है उसके सारी क्लासेज हैं वो आपके यहाँ पर मिल जाएगी इस चैनल पर है ना उसके जितने भी मैंने क्लासेस लिए हैं वो सारे की सारी आप लोग जो क्या करेंगे आप आपको लगभग बीस इक्कीस क्लासेज हैं मेवाड़ हिस्ट्री की उन सब का स्क्रीन शॉट लें और बैठ कर के आराम से नोट्स बनाए है ना गुड इवनिंग राधे राधे घड़ी खम्भा घड़ी खम्बा खम्बा नहीं होता बेटा खम्भा होता है ठीक है चलो बहुत बढ़िया अपन क्या पढ़ रहे थे अपन क्या पढ़ रहे थे रामदेव जी रामदेव लोक देवता पढ़ रहे, रहे, हाँ तो रहे थे राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे हाँ गुड इवनिंग बेटा नैना तो अपन राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे लोक देवता के अंतर्गत अपन ने किन किन को पढ़ लिया था पापू को हड़बू को पढ़ लिया था अपन कल पढ़ रहे थे कौन सा रामदेव जी पढ़ रहे थे रामदेव जी के बारे में कुछ बातें अपन कर चुके थे ठीक है हाँ मोनू सांकला सर जनरल में क... अरे क्या है मुझे नहीं पता देवी खटीक भाई हाँ हेलो गुड इवनिंग जय श्री कृष्णा ठीक है रामदेव जी तंवर के बारे में शुरुआती कुछ बातें अपन ने कर ली थी कि कौन सा पंथ की स्थापना की इनके पिता का नाम क्या है ना इन्होंने कौन सा गांव बसाया इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है कौन सा तालाब जो है उन्होंने निर्माण करवाया था राम सरोवर तालाब का उसी तालाब के किनारे इन्होंने क्या ली थी जीवित समाधि ली थी तो एक बात याद रखना कि एक सबसे पहले बात करेंगे जन्म जो मैंने कल लिखवाया था उसके अंदर एक चीज और लिख लेना जन्म हुआ था इनका कब हुआ था बताओ भाद्रपद शुक्ल द्वितीय भाद्रपद शुक्ल द्वितीया भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को इनका जन्म और इन्होंने जीवित समाधि समाधि कब ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी ग्यारस को एकादशी ठीक है इन्होंने समाधि कब ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी और बात करें अगर अपन तो इनके मेले की बात करें तो मेला कहां लगता है रूणीचा रामदेवरा में लगता है रामदेवरा क्या चीज है रामदेवरा जो इनका मंदिर है उसको रामदेवरा कहते हैं गांव का नाम रूणीचा है बात समझो गांव का नाम क्या है रूणीचा और इनका जो मंदिर है उसको रामदेवरा कहते हैं ठीक है हा और बात करें मेला मेले की बात करें अगर अपन तो रूणीचा में रूणीचा कहां पड़ता है पोकरण जैसलमेर में पोकरण जैसलमेर ठीक है अभी बात समझ में पोखरण जैसलमेर में कब से कब तक लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीय ये जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीय है इसको बाबेरी बीज भी कहते हैं ये ध्यान रख लेना बाबेरी बीज जब जिस दिन जन्मदिवस है रामदेव जी का उस दिन को अपन क्या कहते हैं बाबेरी बीज भी कहते हैं राम राम बेटा तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से भाद्रपद शुक्ल ग्यारह तक मेला कहां लगता है रूनीचा में लगता है कब से कब तक लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से भाद्रपद शुक्ल ग्यारस तक भाद्रपद शुक्ल ग्यारस एकादशी तक ठीक है और बात करें अपन ने मैंने कल बता दिया था आपको कि साहब इन्होंने कौन से पंथ की स्थापना की थी इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी और कामड़िया पंथ की महिलाएं जो है ना वो एक प्रकार का नृत्य करती हैं जिसे अपन ने नाम दिया था कल तेरह ताली नाम बताया था मैंने दिया तो क्या दिया तो पहले से आ रहा है नाम बताया था मैंने आपको वो उस नृत्य का नाम क्या है तेरेतालीन नृत्य और ये तेरेतालीन नृत्य बहुत पूछा जाता है तेरेतालीन नृत्य अब तो क्या है कि व्यावसायिक नृत्य हो गया इस नृत्य के बारे में अपन डिटेल से जब राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे ठीक है हाँ हाँ बढ़िया गुड इवनिंग ठीक आगे बात समझ में बहुत अच्छे कवि हुआ करते थे रामदेव जी बहुत अच्छे कवि हुआ करते थे इन्होंने इनका एक ग्रंथ है रामदेव जी ने ग्रंथ लिखा उसका नाम है चौबिस बाणिया ठीक है ग्रंथ रामदेव जी का ग्रंथ कौन सा बेटा चौबीस वाणिया कह लो चाहे बाणिया कह लो चौबीस बाणिया ठीक है ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि साहब रामदेव जी के ग्रंथ का नाम क्या है चौबीस बाणिया आगे बात समझ में इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से फटाफट से स्क्रीनशॉट लो ठीक है जो इनका आ, मंदिर है मंदिर कहां पर है बेटा रूनीचा में और रूनीचा के अंतर्गत अगर अपन बात करें इनकी समाधि देख लेते हैं ये समाधि इन्होंने कहां ली थी राम सरोवर तालाब के किनारे राम सरोवर के किनारे कल मैंने बता दिया था इन्होंने कि राम सरोवर तालाब इन का निर्माण इन्होंने करवाया था कहां पर रामदेव जी ने करवाया था रूणीचा में करवाया था ठीक है हाँ ये बेस्ट हो जैसे जल्दी याद हो अक्षय राजस्थ कोई मूवी सजेस्ट करो भाई मूवी के अंदर तो भाई राजस्थान इतिहास इतिहास का तो बलात्कार ही होता है तो फिल्मों के चक्कर में तो इतिहास के भरोसे रह मत जाना फिल्मों के भरोसे रह म जाना इतिहास को याद करना है तो ये जो सामने फिल्म चल रही है इसी को याद करो आगे बात समझ में फिल्मों के चक्कर में रहोगे बॉलीवुड ने तो हमेशा भाई साहब बहुत गंदा काम किया है हिस्ट्री के साथ में ठीक है जबरदस्ती अकबर जोधा अकबर जोधा कर लिया जबकि जोधा नाम की कोई पत्नी नहीं थी अकबर की ठीक है तो और फिर ये बातें बाद में करेंगे मूवी वूवी के चक्कर में मत पड़ो आप तो ये जो सामने मूवी चल रही है आपके अभी करंट में ये इसको आप याद कर लो इसको मूवी की तरह ही देख लो क्योंकि इस मूवी का हीरो भी मैं हीरोइन भी मैं विलेन भी मैं ठीक है प्रोड्यूसर भी मैं डायरेक्टर भी मैं आगे बात सोच में तो इस फिल्म को देख लो फिल्म की तरह याद कर लो ले लिया इसका स्क्रीन कल मैंने बताया था कि इनके जो मेघवाल भक्त हैं उनको क्या कहते हैं मेघवाल भक्तों को <laughs> रामदेव जी के मेघवाल भक्त मेघवाल भक्त क्या कहलाते हैं इनके रिखिया कहलाते हैं रिखिया रिखिया ठीक है रिखिया कहलाते हैं आगे बात समझ में हाँ इनकी एक मेघवाल शिष्या हुआ करती थी बाई ठीक है मेघवाल शिष्या जिनको इन्होंने अपनी धर्म बहन भी बनाया था जब उनको पता चला डाली भाई को पता चला कि मेरे जो गुरु हैं मेरे जो रामदेव जी हैं बड़े भाई हैं वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ग्यारह को समाधि ले रहे हैं जीवित समाधि ले रहे हैं तो उन्होंने एक दिन पहले जब समाधि ले ली ठीक है तो अगर अपन बात करें रामदेव जी की रामदेव जी की धर्म बहिन धर्म बहिन क्या नाम था डाली बाई ठीक है डालीबाई बाई की बात करें तो मेघवाल जाति की कौन सी जाति की बेटा मेघवाल जाति की मेघवाल जाति की बाई कौन सी जाति की बेटा मेघवाल जाति की हाँ सर हमारे कोचिंग वाले सर बताते हैं कि जोधा भाई का नाम ही अरका भाई था जोधा वैसे देखा जाए ना तो उसका नाम हरका ही था उसका नाम जोधा नहीं था जोधा तो उसके बेटे जहांगीर की पत्नी हुआ करती थी ठीक है हाँ। तो जी के धर्म का नाम क्या बेटा और जी से एक दिन पहले रामदेव जी से एक दिन पहले पहले यानी कि अब रामदेव जी ने समाधि कब ली भाद्रपद शुक्ल एकादशी को तो मुझे बताओ डाली भाई ने समाधि कब ली कमेंट करके बताओ सारे सारे डालीबाई ने कब समाधि ली कमेंट करके बताओ फटाफट मैं पानी पी लेता हूं तब तक नहीं बता रहा कोई रबड़े हो भाद्रपद शुक्ल दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को एक दिन पहले भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि ली डालीबाई ने समाधि ली डालीबाई ने समाधि ली अब एक कहानी जो है कहानी हाँ बहुत बढ़िया दशमी बहुत बढ़िया है ना एक कम कहां से अरे छेलू कंवर बेटा द्वितीय को तो उनका जन्म हुआ था मैं समाधि से उनकी जब समाधि ली थी उसके एक दिन पहले इन्होंने समाधि ली तो शुक्ल दशमी होगा एकम नहीं होगा आगे बात समझ में और बात अगर अपन और बात करें इनके बारे में तो रामदेव जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने भैरू राक्षस का वध किया था देखो भाई ये किवदंती है माना जाता है लेकिन वास्तविकता तो ये है कि भैरू नाम का एक साहूकार हुआ करता था गाँव वालों को काफ़ी परेशान किया करता था ब्याज पे ब्याज इतना उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेना तो गाँव वाले बेचारे बिच, बड़े परेशान थे वो गए रामदेव जी के पास में कि साहब इससे हमें इसके अत्याचारों से हमें छुटकारा दिलाओगे रामदेव जी ने उस बैरून नाम का जो साहूकार था उसको गाँव से बाहर कर दिया गाँव के मालिक हैं कौन रामदेव जी हैं गाँव बसाया है किसने रामदेव जी ने बसाया पोकरण की जागीर किसके पास में थी रामदेव जी के पिताजी के पास में थी तो पोकरण भी बेसिकली हुआ किसका रामदेव जी का हुआ तो रामदेव जी ने अपने गांव से कहते हैं कि देश निकाला दे दिया था भैरू को भैरू राक्ष अब वो क्या कहानी बना दी गई कि भैरू राक्षस है क्योंकि अपन अभी भौतिक युग के अंदर जो है अपन रहते हैं भौतिक युग जो है ये राक्षस की माइथोलॉजी को नहीं मानता है है ना खैर जैसा भी हो अपने को तो ये याद रखना है कि उस राक्षस हो चाहे सेठ साहूकार हो क्या नाम है उसका भैरू ठीक है तो यह भी ध्यान रख लेना रामदेव जी ने रामदेव जी ने भैरू राक्षस से जनता को छुटकारा दिलाया छुटकारा दिलाया ठीक है बात करें अगर अपन रामदेव जी बेसिकली बात की जाए तो ये समाज सुधारक हुआ करते थे हाँ जाट। अरे मैं कह तो चुका हूं यार मूवी के चक्कर में मत पड़ो कोई मूवी नहीं है आप कोई से भी मूवी उठा करके देख लो सबके अंदर जो है ना जो इतिहास का कीचड़ी किया गया है इतिहास सही नहीं है वो ठीक है तुम और चक्कर में पड़ जाओगे रामदेव जी समाज सुधारक थे रामदेव जी समाज सुधारक थे सुधारक थे जिन्होंने जिन्होंने दलित उद्धार का कार्य किया दलित उद्धार का क्या कार्य किया था दलित उद्धार का, का कार्य किया ठीक है अब चलो ये समझ में आ गया कि साहब दलित उद्धार का कार्य किया इसलिए जो भी उस समय जो आ, दलित जो दबे कुचले लोग थे वो इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं ठीक मुस्लिम क्यों पूछते हैं उसके पीछे क्या क्या कहानी है कहानी यह है कि जब रामदेव जी का नाम अच्छा खासा चलने लग गया था लोग बाग उनके कामड़िया पंथ में शामिल होने लग गए थे लोग बाग उनको पूजने लग गए थे ये कहानी इनकी जो ये बातें हैं इनकी जो इनके जो चर्चे हैं ये चर्चे मक्का तक पहुंचे मक्का के जो है पांच धर्म गुरु जो हैं वो वहाँ से आए उनका एक बार चल के देखते देखें वास्तव में कोई चमत्कार बताता है कि नहीं बताता है वो पाँच ही जने आए पीर कह लो फकीर कह लो ठीक है चाहे धार्मिक गुरु कह लो तो मुस्लिम समाज से पांच धार्मिक गुरु आए हाँ अक्षय बताएंगे आपको भी गुरु पूर्णिमा के दिन मैं अपने गुरु का नाम भी बताऊंगा ठीक है हाँ तो अगर अपन बात करें तो ये जो आ, क्या कह रहा था मैं हाँ ये धर्मगुरु आए ये आए रामदेव जी के पास में रामदेव जी के पास में आकर के बोले के साहब आप हमने सुना चमत्कार दिखाते हो रामदेव जी ने मना कर दिया कोई चमत्कार है मैं तो कोई बेचारा परेशान आता है उसकी हेल्प कर दिया करता हूँ लोग कहते हैं कि नहीं साहब यहाँ पर रुणीचा के अंदर एक बावड़ी है जहाँ पर ये पर्चा दिखाते हैं पर्चा दिखाने का मतलब क्या होता है अपने देसी भाषा के अंदर राजस्थानी भाषा में पर्चा दिखाना कहते हैं चमत्कार दिखाना आ गई बात कई बार कहते ना तो हाल मार देखोग को परचो देवता को परचो देखो परचो पर्च, हाथों हाथ परचो देवे के देवता परचो देवे यानी हाथों हाथ हात चमत्कार बताते तो उस बावड़ी के वहां पर बैठ करके वो लोगों की हेल्प किया करते थे उस बावड़ी का नाम ही पर्चा बावड़ी पड़ गया हाँ मॉर्निंग में कोई क्लास नहीं बेटा ठीक है तो इसका स्क्रीन ले लो रूनी रूणीचा में पर्चा बावड़ी परचा बावड़ी जहां रामदेव जी रामदेव जी लोगों की समस्या सुलझाते थे समस्या जाते थे जहां रामदेव जी क्या करते थे लोगों की समस्या सुलझाते थे पर्चा किसको कहते हैं पर्चा मतलब यहां पर अलग से लिख लो पर्चा मतलब होता है चमत्कार चमत्कार पर्चा मतलब क्या होता है चमत्कार होता है ठीक है तो मैंने बताया कि साहब वो जो पीर आए उन्होंने कहा कि यार आप जो है सर आपने हिंदी जी की बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई है मैंने इंडियन हिस्ट्री राजस्थान हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री सब पढ़ाया हुआ है ठीक है सर आप पेड गोश लॉन्च कब करोगे करेंगे बहुत जल्दी करेंगे ठीक है हाँ बावड़ी और तालाब अलग अलग है ठीक है बावड़ी तो मैन मेड यानी बनाई जाती है पत्थरों से है ना एक पक्का निर्माण होता है उसको बावड़ी कहते हैं एक कच्चा निर्माण होता है पहाड़ होती है एक पूरा का पूरा तालाब का स्त्रोत होता है पानी का स्त्रोत होता है जिसको तालाब कहते हैं स्रोत तो बावड़ी भी है लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप होती है यानी कि पत्थरों से मनुष्य के द्वारा पक्की बनाई हुई होती है उसको बावड़ी कहते हैं ठीक है तो अब वो पाँचों पीर आए बार बार कहे कि साहब पर दिखाओ पर्चा दिखाओ तुम्हारा चमत्कार दिखाओ चुप उन्होंने कहा कोई चमत्कार नहीं फालतू बातें मत करो आए हो इतनी दूर से आए हो भोजन करो चुपचाप अब यहाँ पर उन्होंने क्या कर लिया उन्होंने ये सोच लिया कि अब यहाँ पर अपन इनका चमत्कार देखते हैं साहब लाइन में बैठ गए सारे के सारे भोजन करने के लिए अब भोजन बन रहा है भोजन बन के आ गया सब ने कहा कि साहब हम तो हमारे बर्तन लाए नहीं रामदेव जी ने कहा कोई बात नहीं हमारे बर्तन में खा लो उन्होंने कहा नहीं सर हम सिर्फ हमारे बर्तन में खाते हैं किसी और के बर्तन में नहीं खाते रामदेव जी ने कहा बेटा यहाँ ये बहुत ज़्यादा नाटक कर रहे हैं तो देखा चमत्कार दिखाओ देखें आप ठीक है <coughs> सर जालरा कैसे कहते हैं जालरा उसको कहते हैं झरने को कहते हैं ठीक है हाँ तो अगर अपन बात करें तो उन्होंने कहा अब तो चमत्कार दिखाओगे तो कैसे आप बर्तन तो हमारे पास में अब तो लाए ही नहीं और आपके बर्तन में हम खाएंगे नहीं हम तो भूखे जाएँगे ऐसे पुराने ज़माने में दुश्मन भी घर पे आ जाया करता था तो उसको भूखा नहीं जाने दिया करते थे पहले खाना खिलाते थे फिर मारते थे लड़ाइयाँ बाद में करते थे घर पे आया हुआ है तो फिर खाना खा पहले तो समझ में आ गई बात तो भोजन जब भोजन की बारी आई तब बर्तन नहीं थे तब लास्ट के अंदर फिर रामदेव जी ने कहा कि आँखें बंद करो आंखें बंद करके वापस खोली तो उनके वो ही बर्तन जो थे वो उनके सामने पड़े हुए थे उन पीरों के खुद के बर्तन उनका हमारे बर्तन तो मक्का में थे यहाँ कैसे आ गए तो तुम तो चमत्कार चमत्कार कर रहे थे पर्चा दिखाओ पर्चा दिखाओ ये लो पर्चा वो पाँचों पीर चरणों में गिर गए रामदेव जी के और उनको पीरों का पीर कहा इनको रामसा पीर भी कहा ठीक है तो मुस्लिम इन्हें किस नाम से जानते हैं या फिर बात करें रामदेव जी को रामदेव जी को का, का अन्य नाम रामदेव जी के अन्य नाम या उपनाम कर लें अपन रामसा पीर मुस्लिम इन्हें किन किस नाम से जानते हैं रामसा पीर या पीरों का पीर रामसा पीर पीरों का पीर सांप्रदायिक सौहार्द के देवता सांप्रदायिक सौहार्द के देवता के देवता ठीक है राजस्थान के लोक देवताओं में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता रामदेव जी आगे बात सबने हाँ राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण देवता प्रसिद्ध देवता लोकप्रिय देवता लिख लो लोकप्रिय लोक देवता अगली बात समझ ये रामदेव जी के अन्य नाम है ठीक इनके भक्तों को क्या कहा जाता है ये सारी की सारी बातें कर दी मैंने इनका डांस जो इनकी महिलाएं हैं वो एक नृत्य करती हैं तेरह ताली नृत्य आगे बात समझ वो भी बात कर ली अब बात करें तो रामदेव जी जो थे वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे रामदेव जी क्या थे मूर्ति पूजा के खिलाफ थे तो इस वजह से उनके मंदिर के अंदर कहते हैं कि साहब आजकल तो उनके मंदिर में उनकी तस्वीरें भी मिलती है उनकी मूर्ति भी मिलती है लेकिन इनका जो मुख्य मंदिर है रामदेवरा रूणीसा में वहां पर उनकी मूर्ति नहीं पूजी जाती उनके पगले पूजे जाते हैं पगले समझते हो फुटप्रिंट्स ठीक है इनके मंदिर में इनके पगले पूजे जाते हैं मंदिर में इनके पगले पूजे जाते हैं पगले मतलब पैरों के निशान पगले मतलब क्या होता है पैरों के निशान पगले पूजे जाते हैं पूजे जाते हैं कहा कहा जाता जाता है है ध्वजा को नेजा जाता है। ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले लो आगे बढ़ बात करते हैं रामदेव जी का रामदेव जी का की पचरंगी ध्वजा पचरंगी ध्वजा झंडा इसको क्या कहा जाता है नेजा क्या कहा जाता है बेटा नेजा कहा जाता है हाँ फुटप्रिंट्स बहुत बढ़िया सर बीएसटीसी फाइट करने के लिए क्या करें बेटा बहुत सारा दूध पियो ताकत बनाओ बॉडी बनाओ ठीक है अब फाइट करने के लिए बीएसटीसी फाइट करने के लिए इतना सोच रहे हो यार हो ठीक है हाँ रामदेव जी के घोड़े का नाम घोड़ा रामदेव जी का घोड़ा कौन सा है लीलो ठीक है रामदेव जी के जागरण को कहा जाता है जम्मो जागरण जम्मो रामदेव जी का जागरण रामदेव जी के जागरण जागरण जानते हो सारे के सारे अब तो राजस्थान से हो, कोई मनामत कर देना जागरण नहीं जानते हो नहीं तो ऑनलाइन घुस के कुटूंगा ध्यान रख लेना घर में जागरण करते हैं कि नहीं करते है? आगे बात उसमें सर आपके फेवरेट लोक देवता हैं ये कोई हीरो मतलब ये कोई फिल्म थोड़ी चल रही है कि यार आपके फेवरेट हीरोइन कौन है फेवरेट हीरो कौन है सभी लोक देवता पूज्य हैं फेवरेट कुछ नहीं होता पूज्य है हमारे लिए सभी लोग देवताओं को मानता हूँ मैं सभी को चाहे वो तेजा जी हों चाहे देवनारायण जी हो चाहे बाबू जी हो चाहे रामदेव जी हो सब हमारे फेवरेट हैं अगली बात समझ में तो रामदेव जी के जागरण को कहते हैं जम्मो क्या कहा जाता है जम्मो जागरण आगे बात समझ में चलो भाई लगभग लगभग देखा जाए तो अपने रामदेव जी के बारे में ऑलमोस्ट सारी बातें हो चुकी ठीक है मेला पढ़ चुके अपन इनके कामड़िया पंथ पढ़ चुके इनके कामडिया पंथ के महिलाएं जो नृत्य करती है वो पढ़ चुके हैं हाँ सर तो आपको तो सिंपल लग रही है इस बार वैसे ही पिथेर का पेपर बहुत टफ था बढ़िया है तो टफ था तो कट ऑफ कम जाएगी है हाँ ना हाँ ठीक है जागरण जो होता है वो कीर्तन तो अपने रामदेव जी के बारे में लगभग लगभग सारी बातें हो गई तो अपन ने कितने पीर पढ़ लिए यानी पंच पीरों में से कितने लोग देवता पढ़ लिए अपन ने तीन पढ़ लिए पाबू जी पढ़ लिए आपके हड़बू जी पढ़ लिए पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा तो चौथे नंबर पर कौन है मेहा जी मांगलिया तो अगले अपन लोक देवता पढ़ेंगे मेहाजी मांगलिया मेहाजी मांगलिया मांगलिया ये राजपूत है मेहाजी मांगड़िया ये भी कौन है बेटा राजपूत है ठीक है कहते हैं कि मांगड़िया जो है ना वो सिसोदिया वंश से संबंधित है मांगड़िया ठीक है मेहाजी मांगड़िया की बात करेंगे यहाँ पर तो इनका जो जन्म स्थान है या इनका मुख्य मंदिर की बात कर लें अगर अपन तो है भैया इनका बापीणी जोधपुर के अंदर जोधपुर के अंदर इनका मुख्य मंदिर है सर आज तो लेट हो गया कोई बात नहीं बेटा मंदिर है इनका मंदिर मंदिर की बात करें तो बापीणी बापेणी ये गांव का नाम है जो पड़ता है भैया कहां पर ये गांव पड़ता है जोधपुर में जोधपुर में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता वैसे तो ठीक है इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता ठीक है बात करें अगर अपन तो ये भी क्या है कि गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त प्राप्त हुए थे और जैसलमेर के एक शासक हुआ करते थे राणकदेव भाटी उनसे युद्ध करते ये हुए ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे है ना इनके एक तो घोड़े का नाम पूछा जाता है हेलो वीर प्रजापत भरतपुर हाँ भाई हेलो 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 ठीक है दो तीन बातें इनकी खास है एक तो इनका मंदिर याद कर लो ठीक है दो तीन बातें ही याद करनी इनके बारे में एक तो मंदिर अच्छे से याद कर लो इनके इनके घोड़े का नाम बहुत पूछा जाता है किरण काबरा ठीक है इनका घोड़ा मेहाजी जी मांगलिया का घोड़ा कौन सा है किरण काबरा किरण काबरा काबरा, काबरा। और बात करें तो युद्ध किससे कर रहे थे देव भाटी जैसलमेर के देव भाटी से गायों की रक्षार्थ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई ठीक है हाँ लगभग देखा जाए तो ज्यादातर देवता पश्चिमी राजस्थान से संबंधित है यह बात तो माननी पड़ेगी ठीक है तो जैसलमेर के जैसलमेर के राणकदेव भाटी जैसलमेर के राणकदेव भाटी।, भाटी से युद्ध करते हुए गायों की रक्षार्थ गायों की रक्षार्थ गायों की रक्षार्थ युद्ध करते हुए युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त वीर गति को प्राप्त ठीक वीरगति को प्राप्त हो गए थे सबसे खास बात और क्या है एक तो इनका मेला कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका मेला लगता है दूसरी बात सबसे खास है कि ये वो लोग देवता हैं जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके बारे में कि एक के कौन से लोग देवता हैं जिनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती गोद लेकर के अपना वंश चलाते हैं भोपे मतलब इनके जो पुजारी होते हैं ना उनकी वंश वृद्धि नहीं होती उनके टाबर टूबर नहीं होते आगे बात समझ में ये गोद लेकर के अपना वंश चलाते हैं तो सबसे खास बात ये याद रखना कि इनके भोपों की भोपे जानते हो ना भोपा की गत तो भोपोई जाने की भाव क्या ये अपने गांव के गाँव के अंदर तो एक कहावत है कि भोपाल गोपोई जाने भाया गांव भाव क्या के तो भोपा कौन है जिसको भाव आते हैं यानी कि पुजारी जी आगे बात समझ में तो इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती वंश वृद्धि नहीं होती ठीक है इनका मेला बात करें मेला कहां लगेगा बापिणी में लगेगा कब लगेगा कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी ठीक है कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला लगता है तो चलो इनके बारे में लगभग लगभग सारी बात हो गई ठीक है अब आगे बात करेंगे अपन ये तो थी मेहाजी मांगड़िया जी के बारे में बातें ठीक है अब बात करें अगर अपन तो अगले लो, लोक देवता जो कि पंच पीर में शामिल हैं, वो कौन है पापू हड़बू रामदेव मांगलिया में है ये चार पढ़ लिए। पांचों पेर जो गोगा जी जी तो अब अगले लोक देवता कौन से हैं? गोगाजी चौहान अगले लिखो गोगाजी चौहान गोगा जी के बारे में बात करते हैं ठीक है सबसे पहली बात ये चौहान वंश से संबंधित है राजपूतों में चौहान वंश है कभी आप लोगों ने मुस्लिम धर्म के अंदर एक जाति आती है कायम खानी कायम खानी जाति का नाम सुना है आपने ये जो कायम खानी जो, मुस्लिम जो है ना ये सब इन्हीं के वंशज हैं गोगाजी चौहान के गोगाजी चौहान के पांचवी या छठी पीढ़ी के अंदर एक व्यक्ति हुए थे कायम सिंह जी उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था तो उनके जितने भी वंशज हैं वो कायम खानी के लाए इस वजह से देखा जाए तो आज भी अगर अपन बात करें तो मुस्लिम धर्म के जो विवाह होते हैं उनके अंदर कायम खानियों के विवाह थोड़े अलग टाइप के होते हैं कायम खानियों की जो महिलाएं हैं वो भी आज भी राजपूत राजपूती कपड़े पहनती हैं उनके विवाहों के अंदर आज भी बन्ना बनी वाले गीत गाए जाते हैं दूल्हे की आरती होती है घर में दीपक जलता है ठीक है खैर अभी तो इन समय तो क्या है कि अब जो नई जनरेशन आ रही है उनके अंदर थोड़ी सी क्या है कि आजकल के जो ये सिनेरियो है देश का सिनेरियो है उससे कट्टरता थोड़ी सी बढ़ रही है तो वो पुरानी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा छोड़ने लगे लेकिन मेरा खुद का देखा हुआ मेरे भी कई मित्र हैं कायम खानी मैंने उनके घर में उनकी खुद की शादियों में जा कर के मैंने देखे हैं उनके सिस्टम देखे हैं वो लगभग लगभग अपने जो राजपूत समाज में होते हैं वैसे के वैसे हैं ठीक है क्यों क्योंकि वो इन गोगाजी चौहान के वंशज हुआ करते थे ठीक है हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया ठीक है ठीक है ठीक है ददरेवा शुरू में तो सबसे पहली बात करेंगे जन्मस्थान। जन्म ददरेवा कहां पड़ता भैया शुरू के अंदर नमस्कार भाई लव ठीक है सबसे पहली बात करें इनके टाइम में क्या हुआ कि महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था महमूद गजनवी ने एक हजार ईस्वी से लेकर के एक हजार सत्ताईस छब्बीस सत्ताईस पर भी किया था, गजनवी ने और राजस्थान के अंदर उससे करने वाले गोगाजी चौहान थे गोगाजी चौहान को महमूद गजनबी हरा नहीं पाया था इस बात का ध्यान रखना इवन और जब इन्होंने युद्ध किया इनको युद्ध करते हुए देख करके घबरा गया था महमूद गजनबी आगे बात समझ में और इतना जबरदस्त इन्होंने युद्ध किया कि देख करके उसने कहा ये तो साक्षात पीर हैं अब मुस्लिम समाज के अंदर मुस्लिम धर्म के अंदर पीर किन कहा जाता है जैसे अभी अपन देवता बोलते हैं अपने ये हमारे देवता हैं तो इनके लिए ये पीर होते हैं ये पीर कहते हैं तो साहब कहें साहब हाँ सर पांच तारीख को खाटू श्याम के जाऊंगा आपसे मिल के आऊंगा बहुत बढ़िया मैं तो कल दर्शन करके आ गया खाटू श्याम जी के श्याम बाबा के मैं कल दर्शन करके आ गया था है ना तुम सब के लिए सफलता का आशीर्वाद मांगा मैंने है ना तो शाम बाबा सबको सफल करेंगे तो आप उन बात हैं गोगा जी की गोगा जी ने महमूद गजनबी के साथ में युद्ध किया और मैं उनको युद्ध करते हुए देख करके इतना घबरा गया उसके मुंह से बरबस निकल पड़ा कि ये तो साक्षात पीर है और साक्षात पीर को अपन कहते हैं जाहर पीर जाहरपी क्या निकला उसके कि ये तो जाहर पीर है जाहर पीर का मतलब होता है साक्षात पीर आगे बात समझ पीर का मतलब देवता ये तो साक्षात देवता है लड़ते हुए देखा तो बात करें तो गोगा जी ने गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया महमूद गजनवी महमूद गजनवी से युद्ध किया किससे युद्ध किया भैया महमूद गजनवी से आप कहां रहते हो सर बेटा जयपुर में है ना हाँ बहुत बढ़िया ठीक है तो गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया महमूद गजनवी ने इन्हें जाहरपीर कहा कभी क्वेश्चन पूछ ले आपके आपको कि भाई गोगा जी को जहरपीर की संज्ञा किसने दी तो वो महमूद गजनबी ने दी आई बात समझ में तो ध्यान रखना महमूद गजनवी ने इन्हें जाहरपीर ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जाहरपीर किस लोक देवता को कहते हैं आगे बात समझ में जाहरपीर की बात करें तो साक्षात पीर साक्षात पीर यानी साक्षात लोक देवता साक्षात देवता आगे बात जय श्री राम तो महमूद गजनवी ने इन्हें जाहरपीर की संज्ञा दी संज्ञा दी मतलब जाहरपीर कहा संज्ञा दी ठीक है महमूद गजनवी ने इन्हें जाहरपीर की संज्ञा दी आगे बात समझ में अब अगर अपन बात करें तो ये युद्ध जीत नहीं पाया ठीक है ददरेवा के आसपास में ये युद्ध हुआ अब इनके मौसरे भाई थे अर्जन और सर्जन जो गोगा जी के मौसरे भाई इनके मौसी के बेटे भाई हुआ करते थे इनसे गोगा जी की बनती नहीं थी तो महमूद गजनबी को जब ये पता चला कि उनके परिवार के दो तो ऐसे भाई हैं जिनकी गोगा जी से बनती नहीं है हाँ हाँ जयवर सिंह बाद देखे ठीक है ठीक है रामनिवास गोदारा जी बहुत बढ़िया ठीक है तो अगर अपन बात करें तो यहां पर जो महमूद गजनवी ने एक मोहरा अपनाया उसने कहा कि अर्जन सर्जन को अपनी तरफ मिलाता है अर्जुन सर्जन को बात की कि अर्जुन सर्जन को कहा कि यार गोगा जी को कैसे हराया जाएंगे ये तुम्हारे जो भाई लगते हैं मौसरे भाई इनको कैसे हराया जाए तुम्हारी दुश्मनी है उनसे तुम्हारी बनती नहीं है जो साहब वो एक सच्चा क्षत्रिय है हमारा जो भाई है गोगा वो एक सख्त सच्चा क्षत्रिय है और एक जो सच्चा क्षत्रिय होता है ना वो गौ रक्षा के लिए कहीं पर भी चला जाता है अरे ठीक है साहब तो कहते हैं इस बारे में कि एक प्लान बनाया गया महमूद गजनबी ने कहा कि यार तुम उनके मुसरे भाई लगते हो तुम तो जा सकते हो है ना उनके गांव में जा सकते हो तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है तुम रात के अंधेरे में जाना और वहां से गायों की बात है तो सारी गायें निकाल करके ले आना हमारी सेना तुम्हारे साथ रहेगी ठीक है साहब अर्जन सर्जन जाते हैं और उस गांव की सभी गायों को लूट लेते हैं गोगा जी को जब पता चलता है कि आपके मौसरे भाई अर्जन और सर्जन गायों को लूट के लेके जा रहे हैं तो यहाँ पर दो कहानियां चलती है एक कहानी यह चलती है कि साहब पहली बार जब ये ददरेवा से जब बाहर निकलने वाले थे अर्जन सर्जन तो उन्हें रोक लिया किसने गोगा जी ने और उसी समय ददरेवा के अंदर ही इनके बीच में युद्ध हो गया और कहते हैं कि साहब उनका सर कट करके ददरेवा में गिर गया गोगा जी का और वो जब गायों को लेकर भाग रहे थे गोगा जी का सर काट करके गोगा जी के धड़ ने उनका पीछा किया उनके धड़ ने उनसे युद्ध किया और उनका धड़ जो है वो लास्ट के अंदर लड़ते हुए गिरा कहाँ पर जो आज का गोगा मढ़ी है हनुमानगढ़ के अंदर वहां गिरा एक कहानी ये कहती है एक कहानी ये कहती है कि साहब ददरेवा से जब ये गाय लेकर के रवाना हुए तब इनको जाकर के रोक लिया था एक जंगल में उस जंगल के अंदर इनका युद्ध हुआ और वहां जो है इनका सर कट गया गोगा जी को प्राप्त हो गए गायों की रक्षा करते हुए और जिस जगह पर वीरगति को प्राप्त हुए थे उसे गोगामेड़ी नाम दिया गया जो इनका प्रमुख मंदिर है गोगा में उसी जगह पर है इनका युद्ध हुआ था अपने मौसरे भाइयों से और उन मौसरे भाइयों का साथ किसने दिया था मुस्लिम सेना ने साथ दिया था इस बात का ध्यान रखना ठीक तो अगर अपन बात करें अपने मौसरे भाई मौसरे भाई क्या नाम था बेटा अर्जुन सर्जन अपने मौसरे भाई अर्जन सर्जन के खिलाफ गायों की रक्षार्थ गायों की रक्षार्थ गायों की रक्षार्थ गोगा मेडी में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए गोगा मेडी में गोगा मेडी कहां पर है बेटा हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ ठीक है रक्षार्थ गोगा मेडी में वीरगति को वीरगति को प्राप्त हुए ठीक है अर्जुन सज्जन की सहायता कौन सी से सेना कर रही है मुस्लिम सेना कर रही है ठीक हाँ गुड इवनिंग बेटा देशराज हाँ सर हिस्ट्री की क्लास कब होती है कब होगी दीपू बना बना जी ऐसी बात है कि जब मैं हिस्ट्री की क्लास ले रहा था तो बच्चे कह रहे थे सर कला संस्कृति कब लोगे अब जब मैं कला संस्कृति क्लास ले रहा हूँ तो बच्चे कह रहे हैं हिस्ट्री की क्लास कब होगी सब हो जाएगी आप अभी जो पढ़ रहे हैं ना सिर्फ उस पर ध्यान दो ठीक है तो यहाँ पर इनके वीरगति कहाँ पर प्राप्त हुई गोगा में प्राप्त होगी आगे बात करें तो उनके मंदिरों की बात करें मुख्य मंदिर मंदिर की बात करें तो मंदिर एक तो बेटा ददरेवा में ददरेवा की बात करें तो चुरू में और इस मंदिर को क्या कहते हैं ददरेवा वाले मंदिर को कहते हैं शीर्ष मेडी क्या कहते हैं शीर्ष मेडी आगे बात समझ में ददरेवा वाले मंदिर को क्या कहते हैं शीर्ष कहा जाता है एक मंदिर है गोगा मेड़ी में गोगा मेढ़ी और गोगा मेडी फिरोज शाह तुगलक ने गोगा में मंदिर बनवाया था इस बात का ध्यान रखना गोगा मेढ़ी वाले मंदिर का निर्माण फिरोज शाह लग, करवाया था ठीक है हाँ तो बात करें अगर अपन गोगा मेढ़ी कहां पर है हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ ठीक है और हनुमानगढ़ वाले जो गोगा मढ़ी वाले मंदिर को क्या कहते हैं धुरमेढ़ी क्या कहा जाता है धुरमेढ़ी क्या कहा जाता है धुरमेड़ी कहा जाता है चलिए अभी ठीक है गोगामेडी वाला जो मंदिर है ये गोगामेडी जो मंदिर है निर्माण इसका निर्माण जो है फिरोजा तुगलक ने करवाया फिरोज तुगलक फिरोज शाह तुगलक आगे बात समझ में रोषा तुगलक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था ठीक और बात करें तो ये जो मंदिर है ये मकबरा शैली में मकबरा शैली में ठीक है ये मंदिर किस शैली में है मकबरा शैली में है और बात करें तो इसके आ, मंदिर के शीर्ष के ऊपर बिस्मिल्ला लिखा हुआ है मंदिर के शीर्ष पर क्या लिखा हुआ है बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला लिखा है ठीक है मंदिर के शीर्ष पर क्या लिखा हुआ है बिस्मिल्ला लिखा हुआ है और अगर अपन बात करें एक इनका मंदिर और है एक छोटा मंदिर है खिलेरियों की ढाणी सातचोर के पास में वहां जाकर के क्यों बनवाया साहब गोगाजी जी की ओल्डी ओल्डी कहते हैं अपन छोटा सा मंदिर छोटा मंदिर वहां क्योंकि अर्जन सर्जन वहां के थे एक बार अर्जन सर्जन से उनकी वहां पर लड़ाई हुई थी इस वजह से कहते हैं कि वहां पर भी इनको पूजा जाता है तो गोगा जी की ओल्डी गोगा जी की ओल्डी ओल्डी का मतलब होता है अपने यहां पर क्या छोटा मंदिर छोटा मंदिर ठीक है गोगा जी की ओल्डी की बात करें तो गोगा जी की ओल्डी खिलेरियों की ढाणी खिलेरियों की ढाणी साचोर साचोर कहा पड़ता है जालोर में साचोर जालोर अगली बात समझ में ओल्डी का मतलब समझ में आ जाएगा हाँ, बहुत बढ़िया बिल्कुल सचिन शाबाश बेटे ठीक है इनके मंदिरों की खास बात क्या है कि इनके मंदिर खिजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं इसलिए कहते हैं गांव गो, गो, गांव गोगोर गांव गांव खेजड़ी जट जट खेजड़ी बट बट गोगो, ये भी कहा जाता है अपने यहां पर तो इनके मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं इस बात का ध्यान रखना इनके मंदिर या इनके स्थान कहलो, स्थान कह लो स्थान कह लो इनके मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं ये खास बात है ध्यान रखना है ना गोगा जी का थान कह लो इनका मंदिर कह लो ठीक है और अगर बात करें तो इनका जो मंदिर है इसको मेडी भी कहा जाता है मेडी अपन वैसे कहते हैं मेडी फ्लोर को कहा जाता है ठीक है और इनको जो है सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है इन्हें सर्प रक्षक इन्हें रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है देवता के रूप में पूजा जाता है पूजा जाता है ठीक है इनके पुत्र हैं केसरिया कुंवर जी वो भी रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है केसरिया कुंवर जी का पहचानने का क्या तरीका है सफेद पताका सफेद ध्वजा आगे बात समझ में हाँ इनकी सवारी नीली घोड़ी थी नीली नहीं कह सकते लीली घोड़ी कहते हैं नीले रंग का कोई घोड़ा होता नहीं वैसे ठीक है लीला कहते हैं उसको लीला मतलब कि काले से थोड़ा सा हल्का जिसको अपन कहते हैं ना आ, कार्बन कलर कहते हैं क्या कहते हैं उसको है ना वैसा बस अपनी क्लास ओवर हो चुकी क्योंकि आज अपने पंचपीर हो गए समाप्त कल से अपन कल अपन जो है वो लोक देवता पढ़ेंगे जिन्हें अपन पंच पीर में शामिल नहीं करते हैं यानी टॉपिक तो लोक देवता ही चलेगा टॉपिक क्या चलेगा लोक देवता ही चलेगा लेकिन लोक देवताओं के अंदर अपने पांच पीर आज हो गए कल से अपन जो है जो वो लोक देवता पढ़ेंगे जो पंच पीरों में शामिल नहीं है ठीक है तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है साथियों बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए रोज जुड़ा करो और कल के लिए मैं बता के जा रहा हूँ आपको टाइम कल मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं कल शाम को छः से सात क्लास ले लूँगा आठ से नौ सीएल सर की क्लास होगी कल कल के लिए ठीक है तो कल मेरे साथियों शाम को छः बजे मेरी क्लास होगी है ना कल कल के लिए टाइम चेंज है शाम को छः से सात ठीक है बाकी अपनी आठ से नौ चलती है कल कल के लिए आप थोड़ा टाइम एडजस्ट कर लेना कल अपना टाइम रहेगा कितना छः से सात बजे तक ठीक है थीके? तो आज के लिए ही काफ़ी साथियों बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत